पंडित जी भगवान का आशीर्वाद चाहिए, हर जगह माथा टेक लिया लेकिन मेरी मम्मी ठीक नहीं हो रही है। कोई बात नहीं बेटा, तुम बजरंगबली के दर पे आई हो, यहाँ सबकी मुरादें पूरी होती हैं। मैं भोग लगा के आता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या बोला तुमने? क्या हुआ पंडित जी? अभी क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, बस अजान हो रही थी तो अल्लाह के आगे सर झुका रही थी। राम 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 राम, मतलब तू मुसलमान है? हाँ पंडित जी। तो हिम्मत कैसे हुई एक मुसलमान होकर हमारे मंदिर में पैर रखने की? पंडित जी ये कौन सा नियम है कि अगर एक मुसलमान मंदिर में आएगा तो मंदिर भ्रष्ट हो जाएगा? बहुत नियम सिखा रही है ना, मुझे तो नियम मैं बताऊंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई दूसरे धर्म की लड़की होकर हमारे धर्म के मंदिर में पैर रखने की? दादा नियम सिखा रही है ना, अभी रोक, अभी के अभी मंदिर के बाहर जिंदा जलाऊंगा। ठीक है, आपको जलाना ही है ना, तो सिर्फ मुझे नहीं अपनी बहन को भी जलाना। क्या बकवास कर रही है? मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ। अगर मुसलमान होकर मंदिर में आना गुनाह है तो एक हिंदू होकर मुसलमान लड़के से प्यार करना भी तो गुनाह है, जो आपकी बहन ने किया। क्या झूठ बोल रही है तू? पंडित जी मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आप ही की बहन के कॉलेज में पढ़ती हूँ। आपकी बहन का नाम अभरना है ना? क्या हुआ पंडित जी, अब आप मुझे जिंदा नहीं जलाओगे? अरे मैंने तो सुना है कि हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवद गीता होती है जिसमें हमारे सारे सवालों के जवाब है। क्या आपने कभी ये सवाल जानने की कोशिश नहीं करी है कि एक मुसलमान मंदिर में क्यों नहीं आ सकता? शायद आपको पता नहीं होगा कि श्री कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त एक मुसलमान था, तो फिर मैं एक मुसलमान होकर हनुमान जी के भक्त क्यों नहीं हो सकती? अरे हमारे देश में कई सारे धर्म है लेकिन देश तो एक ही है ना। अरे जो अनाज आप खाते हो वही अनाज हम खाते हैं, जो पानी आप पीते हो वही पानी हम पीते हैं, फिर ये आपस में दूरियां क्यों? इस बात को जितना जल्दी आप समझ जाओगे ना हमारे लिए नहीं अच्छा होगा। चलती हूँ पंडित जी। और हाँ एक बात और, कभी समय मिले ना तो हमारे मस्जिद जरूर आना, आपको बहुत सुकून मिलेगा। और हाँ हम लोग आपको जलाएंगे नहीं। सुनो बहन मुझे माफ कर दो, आपने आज मेरी आंखें खोल दी, आप जब चाहें तब मंदिर में आ सकती हैं, ये आपका ही मंदिर है। जय श्री राम। जय श्री राम। तो मुझे तो समझ में आ गया कि ये धर्म ये भेदभाव कुछ नहीं होता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक हैं। बहुत पहले बोला गया था ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, शायद जैसे जैसे समय बढ़ रहा है हम ये बात भूलते जा रहे हैं। मैं समझ गया, अब आपकी बारी है। जय श्री अल्लाह, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी, थैंक यू।